मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ऑडिबल? अनम्यूट करके कोई बोल सकता है प्लीज? आर यू एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ? यू आर एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ? अनम्यूट करके कोई बात कीजिए प्लीज। हेलो, ये आवाज आ रही है आपकी? हाँ, ओके 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 फाइन। और कुछ दिख क्यों नहीं रहा इसमें? जी मैम, दिख रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस जी मैम, जी मैम। ओके ठीक है, सो इट इज .4। 3-4 मिनट रुकते हैं थोड़ा सा। ओके, मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए। एनीवन? यस मैम, बेच बात कौन कर रहा है? आपका नाम बताइए प्लीज। किशोर। ब्रज किशोर। ब्रज किशोर? ओके 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 ठीक है। तो मेरी मेरी आवाज अगर आपको बीच में से नहीं आ रही है, या फिर कुछ भी आपको आवाज का इश्यू लग रहा होगा, या फिर जी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो जी मुझे मुझे बता देना। ठीक है, आप जरूर। अनम्यूट रहिएगा, बाकी सब प्लीज म्यूट रहिए। ओके चाय पिएगा? चाय ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डेमो सेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम एआरएम के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो एआरएम इज अ वन क्लिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एआरएम में आप सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है, सेलिंग नहीं कर सकते हो। एआरएम में आपको सेल्फ हेल्प प्रोवाइड होती है। इसका मतलब आपको कोई भी बटन या फिर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उस बटन या फिर फील्ड पे जाके राइट क्लिक करना है, आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, उसके अंदर आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, एआरएम के अंदर ब्लू कलर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, आइदर फील्ड और बटन, वो एडिटेबल है या फिर क्लिकेबल है। अगर फील्ड है तो आप उसमें कुछ वैल्यू डाल सकते हो, एडिट कर सकते हो, बटन है तो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ब्लू कलर, ओनली ब्लू कलर। ऑडियो मैसेजेस है एआरएम के अंदर, और रिकमेंडेड हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट इज विंडोज 8, 10, 11, 64 बिट। सीपीयू जो है वो 6th जनरेशन i3 ऑनवर्ड्स चाहिए, और रैम जो है वो आपका 8 GB चाहिए। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है, एआरएम सॉफ्टवेयर, डाउनलोड कर लिया है prakashgabha.com वेबसाइट से। तो आपको गूगल पे जाके prakashgabha.com वेबसाइट डालना है। ठीक है, तो ये है वो वेबसाइट। आप जब प्रकाश गाबा इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेस में आपको ऑटो रिस्क मैनेजर
ये दिख जाएगा। ठीक है, ये ऑटो रिस्क मैनेजर NFO है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको नीचे जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ये डाउनलोड ARM NFO, तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऐसा शॉर्टकट जो है आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इसे मैंने अब ओपन किया। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो विंडोज आएंगी। एक है ये ब्लैक विंडो, जिसे हम कंसोल विंडो भी बोलते हैं, और सेकेंड है GUI विंडो। वो अभी मैंने अभी अभी जस्ट नया इंस्टॉल किया है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा वो GUI विंडो आने के लिए। तो दिस इज GUI विंडो, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की विंडो है, जिसे हम कंसोल विंडो बोलते हैं, इसके अंदर आपको आपके सारी ट्रेड की जानकारी मिल जाएगी कि इंस्टॉलेशन हाँ। सो आपका जो आपने जो इंस्टॉल किया था, वो आपका जो सी ड्राइव है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कंसोल है, आपने आज ARM में जितने भी ट्रेड लिए हैं, वो सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे कंसोल में दिख जाएंगे, ठीक है। तो कितने पे लिया, कब लिया, विद टाइम, और सब सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है ट्रेड की, वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन से पहले कुछ सेटिंग्स है। अब जैसे कि ये ट्रेडिंग क्वेश्चन मार्क ये आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पेपर ओनली ऑप्शन एंड पेपर रियल बोथ ऑप्शन, ठीक है। तो व्हाट इज पेपर ओनली एंड पेपर रियल बोथ? अब वो जो सिलेक्शन है वो आपके लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लाइसेंस टाइप इज पेपर, तो डिफॉल्ट मोड आपका लॉगिन करते वक्त होगा पेपर ओनली, जिसके अंदर आप बैलेंस एडिट कर सकते हो। और अगर आपका लाइसेंस टाइप इज रियल, तो डिफॉल्ट मोड आप जो लॉगिन करोगे वो पेपर रियल बोथ में करोगे। इसका मतलब इसके अंदर आप पेपर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, रियल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बस इसमें आपका बैलेंस जो है वो एडिट नहीं कर सकते, इसमें बैलेंस आपका जीरोदा का बैलेंस आएगा। अब सिलेक्शन की तरफ, जब हम सिलेक्शन की तरफ आते हैं, तो पेपर जो है, पेपर में आपको सिलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर नीचे आपने यहाँ पे पेपर आपका लाइसेंस है और पेपर रियल बोथ सिलेक्ट किया है, तो वो आपका नहीं होगा। लॉगिन करने के बाद आपका पेपर ओनली ही दिखेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका लाइसेंस पेपर है। रियल होगा तो आप पेपर ओनली में लॉगिन कर सकते हो, या फिर पेपर रियल बोथ में लॉगिन कर सकते हो। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पेपर ओनली में आप आपका बैलेंस जो है वो डमी बैलेंस एडिट कर सकते हो, डाल सकते हो यहाँ पे ARM के अंदर। और अगर आपने पेपर रियल बोथ में लॉगिन किया है, तो आप आपका बैलेंस एडिट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो बैलेंस आएगा वो आपके जीरोदा से बैलेंस आएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चालू किया है। इसे मैंने पेपर ओनली में मुझे लॉगिन करना है। ऑडियो मैंने ऑफ कर दिया है, ऑडियो ऑफ कर दिया है। इसका मतलब ये कि मेरी लॉगिन प्रोसेस जो होगी वो फास्ट होगी। यहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी डालना है। तो यूजर आईडी का मतलब, आपने पेमेंट करते वक्त, रजिस्टर करते वक्त जो जीरोदा का यूजर आईडी दिया था, वो यूजर आईडी आपका, ये यूजर आईडी आएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सारी में ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे अब मैंने मेरा यूजर आईडी डाल दिया, ठीक है। यूजर आईडी डालने के बाद ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको तीन लॉगिन के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एज लॉगिन है, मैनुअल लॉगिन है, एंड क्रोम लॉगिन है। तो क्रोम लॉगिन और एज लॉगिन, ये दोनों लॉगिन आपके ऑटोमेटिक लॉगिन है। मैनुअल लॉगिन जो है, ये आप मैनुअली लॉगिन कर सकते हो, इसके अंदर आपको मैनुअली ई टोकन डालना पड़ेगा। तो अब मैं जो आपको दिखाऊंगी वो क्रोम लॉगिन दिखाऊंगी। इस पर मैंने क्लिक किया, क्रोम लॉगिन पे। ये आपको एसेंशियल्स की ऐसे एक पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपको एक बार रीड कर लेना है। अंडरलिंग में आपको ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, आप एक दो स्पॉट में लॉगिन कर सकते हो, या तो फ्यूचर में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ओके का बटन है, तो ओके पे क्लिक करने से पहले आपको आपके जीरोदा पे जाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जीरोदा मेरा लॉगिन कर लिया है। जीरोदा में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, लॉगिन करने के बाद रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको एक्सटेंशंस में जाना है। अब एक्सपोर्ट दिस कुकी नाम का ये एक्सटेंशन है, इसको आपको क्रोम पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये क्रोम पे आपने ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो पजल टाइप ऑप्शन है, ये एक्सटेंशन है, इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट दिस कुकी पे क्लिक करना है। ये मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, और
यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो ये जो आपकी कुकीज की टीएक्सटी फाइल है वो आपके डाउनलोड्स में डाउनलोड हो जाएगी। वो करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इंफॉर्मेशन आ गई है, लाइसेंस टाइप आ गया है जो मेरा लाइसेंस है वो, और मैंने यहाँ पे ओके अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब ये जो आपको पॉपअप विंडो आई है ये एक्सपायरी की पॉपअप विंडो आई है, तो टुडे इज फिन निफ्टी एक्सपायरी डे, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो फिन निफ्टी का पॉपअप है, और ऑल ओटीएम स्ट्राइक्स जो है वो आज जीरो हो जाएंगी तो इसके लिए पॉपअप दिए। तो बेसिकली ये क्यों दिया है कि बाबा आज अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, दिस इज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर पॉपअप, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये आप देख सकते हो लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन कैसे हुआ है ये कैसे होता है, तो यहाँ पे एनएफ अंडरलाइन फ्यूचर है ये आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब आपका आपने लॉगिन किया हुआ है, आपने जो एआरएम में है ये लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे निफ्टी आपने सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे निफ्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी है तो दिस इज एनएफ अंडरलिंग जो है वो फ्यूचर सिलेक्ट किया हुआ है, लॉगिन करते वक्त हमने फ्यूचर सिलेक्ट किया था तो फ्यूचर आ रहा है, अगर स्पॉट सिलेक्ट किया होता तो स्पॉट आ जाता। फ्यूचर के सामने आपको ये एक्सपायरी दिख जाएगी सितंबर, तो अभी सितंबर की एक्सपायरी चल रही है इसलिए सितंबर आ रहा है। फ्यूचर की एक्सपायरी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जी तो ऑप्शंस की एक्सपायरी जो है वो आप चेंज कर सकते हो, फ्यूचर की एक्सपायरी जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज बाय डिफॉल्ट करंट एक्सपायरी, अभी जो एक्सपायरी चल रही है वो एक्सपायरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद ये बाय सी साइड आते हैं, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आप आईटीएम का बाय कर सकते हो कॉल, एटीएम का बाय कर सकते हो कॉल, या फिर ओटीएम का बाय कर सकते हो कॉल। यहाँ पे आपको आस्क प्राइस दिख जाएगी कि अब वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो कितने कितने का प्रीमियम चल रहा है, एंड दिस इज स्ट्राइक, ये कौन सी स्ट्राइक का प्रीमियम है, ठीक है। तो आपको अगर बाय करना है तो इस स्ट्राइक के ऊपर क्लिक करना है, तो दिस इज बेसिकली अ बटन, इसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो 25,350 का कॉल 183 के प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। पुट साइड भी वही है, यहाँ पे स्ट्राइक्स है, पुट का अगर आपको पुट लेना है तो इस स्ट्राइक के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके आस्क प्राइस आ गए और ये तीन ऑप्शंस आ गए, ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम, ठीक है। जी उसके बाद ये जो है दिस इज स्टेटस बॉक्स, अब ये आपका ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब आपने लॉग इन किया हुआ है। अगर एआरएम में इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्ट इंटरनेट का कनेक्शन चला गया अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन चला गया है या फिर जीरो दा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जो स्टेटस बॉक्स में है, स्टेटस बॉक्स में ब्लिंक होते हुए दिख जाएगा। ये जो बॉक्स है ये आपका अंडरलिंग की प्राइस का बॉक्स है, तो इसके अंदर फ्यूचर की जो सितंबर की एक्सपायरी है उसका अभी की मेरी प्राइस कितनी चल रही है, तो दैट इज 24,448, 25,448, तो ये अभी मेरी प्राइस चल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरा रेड कलर है, बॉर्डर जो है वो मेरी ग्रीन कलर की है, ठीक है। सो इट हैज सम सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो अब कंडीशंस में अगर फ्यूचर आपका स्पॉट के बराबर है, फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट, तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है, तो आपका बॉर्डर का जो कलर है जो है वो आपका येलो कलर आ रहा है। अगर फ्यूचर इज ग्रेटर देन स्पॉट तो बैकग्राउंड, तो आपका बॉर्डर का कलर इज ग्रीन कलर, एंड इफ फ्यूचर इज लेस देन स्पॉट सो आपका बॉर्डर का कलर इज रेड कलर, ठीक है। अब इन तीनों केसेस में बैकग्राउंड कलर आपको येलो दिख रहा होगा, इसका मतलब फ्यूचर की सीएमपी जो है दैट इज इक्वल टू फ्यूचर का ओपन, तो आज अभी जो सीएमपी चल रही है वो आज के ओपन के बराबर है, इक्वल है। तो इस बैकग्राउंड का कलर जो है वो फ्यूचर का है, और जो बॉर्डर का कलर है वो फ्यूचर और स्पॉट, अगर प्रीमियम में है तो ग्रीन है, अगर डिस्काउंट में है तो आपका रेड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नीचे भी वही कंडीशन है, सीएमपी इज ग्रेटर देन ओपन तो बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन आ रहा है, और सेम यहाँ पे जो ऊपर जो कंडीशंस थी वही है, येलो कलर की बॉर्डर, ग्रीन कलर की बॉर्डर एंड रेड कलर की बॉर्डर। उसके बाद अगर सीएमपी इज लेस देन ओपन तो बैकग्राउंड में आपको रेड कलर दिख रहा है एंड बॉर्डर का जो है वो सेम फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट स्क्रीनशॉट में क्या है, आपकी बॉर्डर जो है ग्रीन कलर की है,
बैकग्राउंड जो है वो भी ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों भी आपका ग्रीन में है। यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो भी रेड है एंड बॉर्डर जो है वो भी रेड है, मतलब सीएमपी जो है वो अभी आपके ओपन से नीचे है, और बॉर्डर जो है इसका मतलब फ्यूचर जो है वो आपका स्पॉट से नीचे है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो है ये अभी की जो कंडीशन है सेम कंडीशन है, फ्यूचर जो है वो आपका स्पॉट से ऊपर है, मतलब प्रीमियम में है, एंड बैकग्राउंड में जो आपका रेड कलर है इसका मतलब सीएमपी जो है वो ओपन से कम है, चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो सीएमपी का मतलब है करंट मार्केट प्राइस, अभी जो आपकी मार्केट प्राइस चल रही है उसका मतलब होता है करंट, उसका मतलब होता है सीएमपी, फाइन। फिर यहाँ पे ये ऑप्टिमिस्टिक का बटन है, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड लेते वक्त आपको कौन सी आपका आपके पास कौन सा इमोशन था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल आपको 13 अलग 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 इमोशंस दिख जाएंगे, इसका एक्चुअल ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, बस ये आपके रिकॉर्ड के लिए है कि वो ट्रेड लेते वक्त मेरे अंदर इमोशन क्या था, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके रिकॉर्ड के लिए आपके रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का सिलेक्शन है, आपने अगर बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है तो ये सारी जो स्ट्राइक है ये बैंक निफ्टी के हिसाब से आ जाएगी, अंडरलिंग की प्राइस जो है ये बैंक निफ्टी के हिसाब से आ जाएगी, ऊपर भी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रहा है। ठीक फिन निफ्टी किया है, अगर आपने फिन निफ्टी पे क्लिक किया है तो ये भी आपका FNF आ गया। और डार्क हो गया, तो ये फिन निफ्टी है, ये भी आपकी जो स्ट्राइक्स है ये फिन निफ्टी के हिसाब से आ गई है, और ये जो अंडरलिंग की प्राइस है ये भी फिन निफ्टी के हिसाब से आ गई है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है दिस इज टाइम फ्रेम ऑप्शन, तो टाइम फ्रेम के अंदर 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 75 मिनट टाइम फ्रेम, तो 75 मिनट अभी ऐड किया है हमने यहाँ पे 3 मिनट। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम क्यों दिया गया है, क्योंकि आपका जो बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस है ये आपके टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर आपने 3 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस इज प्रीवियस कैंडल्स हाई एंड लो ऑफ 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट के कैंडल का हाई एंड लो जो है वो आपका बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस आ गया, 5 सिलेक्ट किया है तो 5 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो बुल स्टॉप लॉस बियर आ गया, 15 है तो 15 मिनट के कैंडल का, और 75 है तो 75 मिनट के कैंडल का, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये आपका बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस चेंज करता है, और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे होंगे आपको, तो ये मैंने 3 मिनट का किया, तो 3 मिनट का मतलब ये हुआ कि 3 मिनट के अंदर निफ्टी में प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न क्या था, ठीक। अगर 5 किया तो 5 मिनट में प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न क्या था, 15 किया तो 15 में क्या था, 75 किया तो 75 में क्या था, इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए, दिस इज टाइम फ्रेम का बटन, ठीक है। उसके बाद दिस इज रिफ्रेश, तो अगर आपका ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा आपको इसे क्लियर करना होगा, यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर लेना तो आपका ट्रेड जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेपर ओनली, ये जो ऑप्शन है पेपर ओनली पेपर रियल बोथ, ये ऑप्शन आप लॉग इन करने से पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो, लॉग इन करने के बाद सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया सो आई कैंट चेंज इट टू पेपर रियल बोथ मोड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर ओनली पेपर रियल बोथ आपको लॉग इन से पहले ही सिलेक्ट करना है, लॉग इन के बाद नहीं करना है, लॉग इन के बाद वो होगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन की एक्सपायरी है, निफ्टी के ऑप्शन एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी ऑप्शन एक्सपायरी में काम करना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, यहाँ पे फिन निफ्टी के है, जैसे मैंने कहा था कि फ्यूचर की एक्सपायरी जो होगी वो करंट एक्सपायरी होगी बाय डिफॉल्ट, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद स्कैल्प नॉर्मल की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस इज अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम में जो सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो आपके बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर आपने इसे स्कैल्प में किया, अगर स्कैल्प 5 किया है, इसका मतलब ये हुआ करंट मार्केट प्राइस अभी जो कुछ भी सीएमपी चल रही है उससे +5 -5 आपका बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसे 10 किया तो +10 -10, 15 किया +15 -15, और ये जो कलर है ये कलर भी आप देख सकते हो रेड कलर हो चुका है, बराबर। तो अगर नॉर्मल में है तो वो ब्लू कलर रहेगा, अगर स्कैल्पिंग में है तो आपका रेड कलर में रहेगा। ये 20 का ऑप्शन है, 20 +20 -20 एंड दिस इज नॉर्मल।
अब ये जो 5, 10, 15, 20 का ऑप्शन है, ये सब में अलग अलग है। मतलब निफ्टी में आपको 5, 10, 15, 20 का ऑप्शन है, फिर निफ्टी में भी आपको 5, 10, 15, 20 का ऑप्शन है, बैंक निफ्टी में आपको उसका 10, 20, 30 एंड 40 का ऑप्शन है, ठीक है, एंड दिस इज नॉट। तो ये हो गया स्कैल्पिंग का। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कुछ भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, एक तो फील्ड या फिर बटन, वो आप एडिट कर सकते हो या तो क्लिक कर सकते हो। तो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इसका मतलब आई कैन एडिट दिस। अब मैं पेपर ओनली मोड में हूँ, तो मुझे मैं ओपनिंग बैलेंस को एडिट कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए मेरा 1 लाख, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे आपने बैलेंस डालने के बाद, आपकी वैल्यू डालने के बाद एंटर दबाना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी बैलेंस कंफर्मेशन की। अब ये पॉपअप विंडो किस लिए है कि अगर आपने इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक किया, तो पहली बात अपना आपका ओपनिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू योर लाइफ बैलेंस, एंड दूसरी बात, एक बार आपने इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक करने यस के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर आप उसे फिर से चेंज नहीं कर सकते। ये आपका रेड, ये आपका ब्लैक कलर में आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर में है अभी, वो आपका नॉन एडिटेबल हो जाएगा, मतलब ब्लैक कलर में आ जाएगा। आपको अगर बैलेंस को आपको फिर से चेंज करना है, तो आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, और फिर से आपको आपका बैलेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लॉग इन सेशन में आप एक ही बार बैलेंस एडिट कर सकते हो, नहीं तो न, उसके बाद अगर आपको बैलेंस आपका चेंज करना है, तो लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस मेरा 1 लाख है, लाइव बैलेंस इज 29.90। येस पे क्लिक किया, नाउ माई ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू माई लाइव बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख हो गया है, लाइव बैलेंस भी 1 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद है टोटल रिस्क परसेंटेज। तो टोटल रिस्क परसेंटेज का मतलब ये है कि मेरे ओपनिंग, मेरे लाइफ बैलेंस के ऊपर मैं कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहती हूँ। तो मैंने 2 किया हुआ है, इसका मतलब कि मेरे लाइफ बैलेंस के ऊपर, दैट इज 1 लाख, 1 लाख के ऊपर मुझे 2% का रिस्क लेना है। तो ये मैं मेरे हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। मुझे अगर 10% का रिस्क लेना है, सो आई कैन टेक, आई कैन एडिट एंड राइट देयर 10%। 1 करना है तो 1%। तो ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, आपको जितने परसेंट का रिस्क एक्सेप्टेबल है आपके बैलेंस के ऊपर, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बेसिकली ये टोटल रिस्क परसेंटेज जो है, ये आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एआरएम आपको क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। अब ये जो पेपर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पेपर का बटन है ये, तो मैंने अभी पेपर ओनली में लॉगिन किया है, इसलिए ये पेपर का ही आपको दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप रियल मोड में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने पेपर रियल बोथ में लॉगिन किया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको रियल की पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है। और फिर से वहीं पे क्लिक करके आपको रियल से आप पेपर में जा सकते हो, ठीक है। सो आई विल शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है वो। जस्ट डिलीट दिस, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्रोम लॉग इन, और ये मैंने किया है पेपर रियल बोथ। मैंने यहाँ पे पेपर रियल बोथ सिलेक्ट किया है, ऑडियो ऑफ कर दिया, ओके, ठीक है। सो माय लाइसेंस टाइप इज रियल, ये लॉग इन हो रहा है। यहाँ पे आप प्लीज वेट देख सकते हो। जब वो लॉग इन प्रोसेस में रहता है, तो प्लीज वेट आता है, ओके। तो ये मेरी रिमाइंडर, इसे ओके कर दिया। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको ब्लू में नहीं दिख रहा होगा ये ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो ये जो है, ये मेरा जीरोदा का जो बैलेंस है, वो यहाँ पे बैलेंस आपको दिख रहा होगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इन ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेपर पे क्लिक किया, ये आपको ऐसी पॉपअप विंडो आती है, ट्रेडिंग मोड कंफर्मेशन पॉपअप विंडो है। तो येस किया मैंने इसके ऊपर, ये रियल में चली गई मैम। फिर से मुझे अगर रियल से पेपर में जाना है, ये पॉपअप विंडो है, इसे येस किया, एंड आई एम अगेन इन पेपर पेपर मोड, पेपर ट्रेडिंग मोड। अब पेपर मोड हो, रियल मोड हो, इसके अंदर आपका जो बैलेंस है, जीरोदा में बैलेंस है, उसके ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हो। पेपर ओनली में आप सिर्फ पेपर ओनली में आपने जो आपका ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है, उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पेपर ओनली मोड में लॉग इन करती हूँ।
यहाँ गए, क्रोम लॉगिन, दिस इज पेपर ओनली, ऑडियो ऑफ कर दिया, फ्यूचर है। और अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था तब मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ा था कुकीज, जीरोदा पे जाके मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ा था। अब जब आप सेकेंड टाइम लॉगिन करते हो तो आपको कुकीज फिर से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि आपका जो जीरोदा है, अगर जीरोदा आप लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हो तो जो ई टोकन है वो चेंज हो जाता है, तब आपको कुकीज एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपने जीरोदा आपका लॉग आउट लॉग इन नहीं किया हुआ है, जो आपका पुराना था वही आप वही लॉग इन सेशन में काम कर रहे हो, तो आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती कुकीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। प्लीज वेट। ठीक, तो मैंने इसे ओके कर दिया। लेट मी चेंज माय बैलेंस। इसे मैंने इंटर प्रेस किया, बैलेंस कंफर्मेशन आई, इसे मैंने यस किया। ओपनिंग बैलेंस एंड लाइव बैलेंस इज इक्वल नाउ, टोटल रिस्क इज 2%, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया पेपर टू रियल एंड रियल टू पेपर मोड कैसे चेंज होता है। ऑडियो ऑफ का बटन है, आपको ऑडियो ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हो, ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकते हो। ऑन रखा तो कुछ ऑडियो मैसेजेस आएंगे, जैसे अगर ऑन रखा है तो रिफ्रेश पे क्लिक किया तो आपको रिफ्रेश किया है ऐसा ऑडियो मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑडियो मैसेज आया था। ऐसे और बहुत सारे ऑडियो मैसेज है, तो अगर आपको ऑन रखना है ऑन रख सकते हो, ऑफ रखना है ऑफ रख सकते हो, आपकी मर्जी। ये मैंने ऑफ रखा है, ठीक। तो ये मैंने ऑडियो का आपको बता दिया। उसके बाद दो आपको मेन कंसेप्ट बताने थे, चार्ट एंड एफपीएन है। तो पहले चार्ट के ऊपर आते हैं। आपको जो कुछ भी क्वेश्चंस है ना वो हम सेशन होने के बाद करेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव अ क्यू एन ए सेशन, तो तब आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको जो कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप प्लीज पेन एंड पेपर लेके लिख लो, आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो तो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब ये चार्ट आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ब्रेकआउट आ गया। दस बीओ का मतलब ब्रेकआउट है, पीबी का मतलब पुल बैक है, फिर से मैंने क्लिक किया वो चार्ट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे निफ्टी के अंडरलिंग मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दिस इज निफ्टी सिलेक्टेड, यहाँ पे क्लिक किया। आप इसे देख सकते हो, दिस इज एडिटेबल, ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। पीबी पे क्लिक किया, ये भी ब्लू कलर में आपको आ रहा है। चार्ट पे क्लिक किया, ये फिर से ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट पुल बैक जब रहता है तब आप यहाँ पे आपकी वैल्यू डाल सकते हो। अब व्हाट इज ब्रेकआउट व्हाट इज पुल बैक वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज सीई पुल बैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पुल बैक का पहले समझा देती हूँ कैसा है। अब मान लीजिए आपकी करंट प्राइस चल रही है 18,350, फाइन, करंट प्राइस इज योर 18,350। जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मतलब आपकी सीएमपी जो है यहाँ से नीचे आएगी 18,335 पे, तब मुझे ट्रेड लेना है। तो अगर आपको नीचे आने के बाद ट्रेड लेना है तो दैट इज योर पुल बैक प्राइस, ठीक है। अब जब आपको ऊपर जाने के बाद ट्रेड लेना होगा दैट इज योर ब्रेकआउट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक प्राइस जो है वो मेरी 18,335 हो गई, स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरे पुल बैक प्राइस के नीचे होगा, दैट इज 18,320, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस कहीं पे भी रख सकते हो, बस आपके पुल बैक प्राइस के आपको नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है। ब्रेकआउट में क्या है, करंट प्राइस इज माई 18,335, जब मार्केट 18,350 को क्रॉस करेगा, जब 18,350 को तोड़ेगा तब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक। तो अगर 18,350 को तोड़ेगा तब ट्रेड लेना है, तो वो आपकी ब्रेकआउट की प्राइस हो गई, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका ब्रेकआउट के नीचे आएगा। सो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 18,320 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, मतलब बेसिकली 18,350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस चाहिए। 40 पे रखो, 30 पे रखो, 20 पे रखो, आपकी मर्जी, ठीक। एंड पीई में एग्जैक्टली सेम है, बस उल्टी, मतलब उल्टा है, दैट इज नीचे की तरफ का ट्रेड है। पुल बैक अगर है तो करंट प्राइस मेरी यहाँ पे 18,335 है, ऊपर गया तो 350, अगर 350 पे गया तो वो पुल बैक हो गया मेरा, तो दिस इज माई पुल बैक प्राइस। पी का ट्रेड ले रहे हो, नीचे का ट्रेड ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर लगेगा, फाइन।
ब्रेकआउट में भी वही है, नीचे की तरफ अगर इस लेवल को तोड़ा दैट इज 18,350, तब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा मेरा ब्रेकआउट के ऊपर रहेगा। अब मैंने स्टॉप लॉस 370 रखा है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पुल बैक एंड ब्रेकआउट, ये कंसेप्ट है पुल बैक का अनब्रेकआउट का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। तो ये करंट प्राइस आप देख सकते हो, करंट प्राइस अभी मेरी चल रही है 19,719। जब यहाँ से नीचे आएगा दैट इज 19,713, जब इस लेवल पे आएगा तब मुझे खरीदना है। तो ये आपकी पुल बैक प्राइस हो गई। स्टॉप लॉस जो है वो आपके पुल बैक प्राइस के नीचे रहेगा। तो मेरा यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा है दैट इज 19,698, ठीक है। सो दिस इज पुल बैक। तो ये जो प्राइस है ये आपकी पुल बैक की प्राइस होगी। सेम ब्रेकआउट में करंट प्राइस यहाँ पे चल रही है आपकी दैट इज 19,660। अगर उसने इस लेवल को तोड़ा तब मुझे ट्रेड लेना है। तो वो लेवल की वैल्यू जो है दैट इज योर ब्रेकआउट प्राइस, वैल्यू इज 19,670। स्टॉप लॉस जो है वो आपका ब्रेकआउट के नीचे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मेरी स्टॉप लॉस, दिस इज माई स्टॉप लॉस वैल्यू 19,647। स्टॉप लॉस वैल्यू आप 647 रख सकते हो, 660 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बस 70 के नीचे चाहिए, ठीक है। सो ये है ब्रेकआउट एंड पुल बैक। तो ब्रेकआउट एंड पुल बैक की जो ये प्राइस है दैट इज 19,703 और 19,670, ये प्राइस आपको इसके अंदर डालनी है, ठीक है। सो ये जब मैंने ब्रेकआउट या फिर पुल बैक सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट की आपकी प्राइस डालनी है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में 25,448 करंट प्राइस चल रही है। मुझे कॉल का ट्रेड लेना है तो मेरी ब्रेकआउट प्राइस विल बी 25,450, ठीक है। तो जब 25,450 मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब मुझे कॉल का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आपको आपकी वैल्यू डालनी है, एक तो आपकी ब्रेकआउट की वैल्यू डाली है या फिर पुल बैक की वैल्यू डाली है, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट सिलेक्ट किया है तो ब्रेकआउट की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है, पुल बैक सिलेक्ट किया है तो पुल बैक की आपको वैल्यू यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम, यू आर एडमिट। हाँ, ओके ओके फाइन। दिस इज ब्रेकआउट एंड पुल बैक, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट एफ पी एन एल, ठीक है। तो एफ पी एन एल का मतलब ये है, इसके अंदर हम आपकी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये भी एक बटन है, एफ पी एन एल 20 किया मैंने, 33, 50, 100 एंड फिर से एफ पी एन एल। ये जो है दीज ऑल आर स्ट्रैटेजीज फॉर बुकिंग, ठीक है। तो ये बुकिंग स्ट्रैटेजीज है, ओके। तो अब यहाँ पे आपको केस दिख रहे होंगे, सो देर आर टोटल 6 केसेस, केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अब यहाँ पे जो आप, यहाँ पे ये जो आप क्वांटिटी है, अगर आपको ये क्वांटिटी एआरएम कैलकुलेट करके देता है तब आपके ट्रेड का क्या होगा, अगर आपने, अगर आपका टारगेट हिट हुआ है या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अगर आप डिफॉल्ट में हो दैट इज एफ पी एन एल, तो टारगेट हिट हुआ आपका निफ्टी, निफ्टी का एक क्वांटिटी है, बैंक निफ्टी का 1-2-3 क्वांटिटी है, फिन निफ्टी का 1-2 क्वांटिटी है, डिफॉल्ट में हो, ट्रेल किया तो वो ट्रेल करेगा ऊपर, आपका बुक नहीं करके देगा। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो 100% आपकी क्वांटिटी बुक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से नहीं, आपको थोड़ा इजीली इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आपकी इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 100 क्वांटिटी है, फाइन। केस टू में है, स्ट्रैटेजी जो है वो आपने एफ पी एन एल सिलेक्ट की हुई है, दैट इज ये, दिस इज डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी एफ पी एन एल, ठीक है। एफ पी एन एल आपने सिलेक्ट की हुई है, इनिशियल क्वांटिटी इज 100, यहाँ पे ट्रेल और बुक का है, दैट इज टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। जब यहाँ पे जाएगा तब क्या होगा, तो फर्स्ट टारगेट पे जब जाएगा तो बुक करेगा 50, ट्रेल करेगा 50, ठीक है। तो एफ पी एन एल का मतलब ये है, आपकी जो कुछ भी बैलेंस क्वांटिटी है उसका 50% आपके नेक्स्ट टारगेट पे बुक करके देगा। तो फर्स्ट टारगेट पे जाते ही 50 बुक किया, 50 ट्रेल किया, सेकेंड टारगेट पे जाके बची हुई 50 है, 25 बुक किया, 25 ट्रेल किया,
नेक्स्ट टारगेट पे जाके 25 बची हुई है, 13 बुक किया, 12 ट्रेल किया, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट पे जाते ही 6 बुक किया, 6 ट्रेल किया, 3 बुक किया, 3 ट्रेल किया, 2 बुक किया, 1 ट्रेल किया, एंड जो लास्ट ट्रेल होगा वो आपका ट्रेल होते जाएगा अंटिल एंड अनलेस योर स्टॉप लॉस इज हिट। तो FPNL में बैलेंस क्वांटिटी का 50% जो है वो आपका बुक होगा, ठीक है। आपका जैसे जैसे टारगेट आएगा वैसे वैसे बैलेंस क्वांटिटी का 50% बुक होगा। FPNL 20 अगर सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज दिस, अगर FPNL 20 सिलेक्ट किया हुआ है तो 20% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, इसका मतलब इनिशियली मेरी 100 थी, फर्स्ट टारगेट पे जाते ही 20 बुक किया, 20 ट्रेल करेगा, 20 बुक किया, 60 ट्रेल करेगा, 20 बुक किया, 40 बुक 40 ट्रेल करेगा, 20 बुक किया, 20 ट्रेल करेगा, एंड दिस इज योर लास्ट ट्रेल। तो लास्ट ट्रेल जो है ये आपका ट्रेलिंग के लिए जाएगा, ये आपका तभी बुक होगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। 33 में क्या है, 33% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, तो 33 बुक किया, 63 ट्रेल किया, 33 बुक किया, नेक्स्ट टारगेट पे 33 बुक किया, 33 ट्रेल किया, एंड उसके बाद जो आगे का बचा हुआ है वो आपको आगे ट्रेलिंग के लिए जाएगा। ये भी सेम है, लास्ट क्वांटिटी जो है, लास्ट बची हुई क्वांटिटी जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने तक आपकी पूरी बुक नहीं करके देगा। उसके बाद केस 5 में 50% अगर है, अगर आपने 50 यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज दिस FPNL 50, तो यहाँ पे बुक फर्स्ट टारगेट पे जाते ही 50% आपका बुक होगा, 50% ट्रेल होगा, 50 क्वांटिटी ट्रेल हुई यहाँ पे। नेक्स्ट पे जाते 30 बुक होगा, 20 ट्रेल होगा, और ये जो लास्ट वाली जो 20 है ये आपकी 20 ट्रेल होते जाएगी। तो ये जो 50% है इसके अंदर 50 30 20 ऐसा रेशियो है, मतलब पहले टारगेट पे 50% बुक होगा, नेक्स्ट टारगेट पे 30% बुक होगा, और बची हुई 20% जो क्वांटिटी है वो आपकी ट्रेलिंग के लिए जाएगी। एंड 100% पे फर्स्ट टारगेट पे जाते हैं आपका 100% क्वांटिटी जो है वो बुक हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर 100% किया है तो इसके अंदर ट्रेलिंग नहीं है, जैसे ही आपके टारगेट पे हिट होगा आपको आपकी 100% क्वांटिटी, सारी की सारी क्वांटिटी आपको एग्जिट करके ARM दे देगा, ठीक है। तो ये था आपका FPNL, FPNL 20, 33, 50, 100 एंड अगेन FPNL, डिफॉल्ट इज FPNL, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट पॉइंट्स बताना था, तो प्रॉफिट पॉइंट्स जो है ये आपके अंडरलिंग के प्रॉफिट पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट आपके अंडरलिंग में चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। दिस इज डिफॉल्ट, निफ्टी के लिए 12 है, बैंक निफ्टी 24 एंड फिन निफ्टी 15, आपको जो चाहिए वो आप प्रॉफिट पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉफिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, FPNL, रिस्क, ये जो है ये पैरामीटर्स आप ट्रेड लेने से पहले चेंज कर सकते हो, ट्रेड लेने के बाद इन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉफिट पॉइंट जो है वो आपको ट्रेड लेने से पहले कंफर्म कर लेना है कि मुझे इतने ही प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पॉइंट्स करेक्ट है, यही प्रॉफिट पॉइंट्स मुझे चाहिए। स्टॉप लॉस भी आपको एक बार चेक कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो भी आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है, रिस्क परसेंटेज जो है वो भी कंफर्म कर लेना है ट्रेड लेने के बाद, आप क्योंकि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेके दिखाती हूँ, ठीक। तो इसे मैंने मिनिमाइज किया, अब मुझे निफ्टी में हूं, मैं निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, निफ्टी का 25 350 के स्ट्राइक का कॉल मुझे बाय करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट, इसे मुझे क्लिक करना है। अब इसे क्लिक करने से पहले मुझे एक बार चेक कर लेने के मेरा बुल स्टॉप लॉस, बियर स्टॉप लॉस बराबर है क्या, तो अब मैं कॉल कर रही हूँ तो मेरा बुल स्टॉप लॉस सही है क्या वो चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से तो अब ये जो स्टॉप लॉस है ये मेरा 5 मिनट का प्रीवियस कैंडल का हाई है, हाई एंड लो है, तो बुल स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल लो, बियर स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल का हाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट प्राइस इज 25 448, स्टॉप लॉस जो है मेरा 25 445 का चल रहा है, तो ठीक है क्या ये स्टॉप लॉस, ये बहुत पास आ गया स्टॉप लॉस, राइट। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये आपका 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ गया। अब मैंने यहाँ पे तो अब मैंने यहाँ पे मेरा टाइम फ्रेम चेंज किया है, इसे मैंने एडिट किया, मान लीजिए मैंने इसे किया 25 440, ठीक है। तो मेरा अब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया है, करंट प्राइस मेरी 448 चल रही है, बुल स्टॉप लॉस जो है वो मैंने 440 किया है। स्ट्राइक पे मुझे इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद
ये आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला था 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स आपको 8 पॉइंट का यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। अब जैसे मैंने ट्रेड लिया, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई उस ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी ली है, ये क्वांटिटी आपको आ गई। कितने पे ट्राई किया उस वक्त, अंडरलिंग में क्या प्राइस चल रही थी, बाय कितने पे किया उस वक्त, अंडरलिंग में क्या प्राइस चल रही थी, तो बॉट एट 138 इन प्रीमियम एंड अंडरलिंग एट दैट टाइम वाज 25,448, ठीक है। स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स कितना था, प्रॉफिट पॉइंट्स मेरे कितने थे, स्टॉप लॉस कितने पे था मेरा, मतलब स्टॉप लॉस की जो मेरी वैल्यू है अंडरलिंग में, दैट इज 25,440, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और मैंने सिलेक्ट कौन सा किया हुआ है, दैट इज FPNL कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने कौन सी बुकिंग स्ट्रैटेजी कौन सी सिलेक्ट की हुई है, तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगी। अब हाँ, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, चार्ट में मैंने ट्रेड लिया था, मतलब मैंने ब्रेकआउट नहीं लिया था, पुल बैक भी नहीं लिया था। कौन सा लिया था, दैट वाज ITM। ऑर्डर कौन सी थी मेरी, MIS की ऑर्डर थी। स्ट्रैटेजी कौन सी थी, दैट इज FPNL, ठीक है। तो और ये जो है, ये बाकी के दो वैल्यू आपकी करंट प्राइस और मतलब आपने आपकी प्राइस क्या थी, कितने पे बाय किया एंड व्हाट वाज इट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो 17। क्वांटिटी जो है ये आपको ARM, क्वांटिटी जो है ये आपको ARM कैलकुलेट करके देता है आपके स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स और रिस्क के ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो रिस्क है वो आपकी 2% थी, यहाँ पे आप रिस्क देख सकते हो 1938, तो ये जो है 1938, आपने कितने परसेंट की रिस्क ली थी आपके लाइफ बैलेंस के ऊपर, दैट वाज 2%। तो मेरा बैलेंस था 1 लाख का, उसके ऊपर 2%, दैट वाज 2000। रिस्क कितनी आ रही है, 1938। सो मेरी जो रिस्क है वो मेरे 2% से कम आ रही है, राइट। सो मेरी जो यहाँ पे रिस्क आपको दिख रही है, ये मेरे 2% से कम आ रही है, और जो मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स है वो 8 है, सो दैट इज 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। आपकी जो क्वांटिटी है वो आपके टोटल रिस्क परसेंटेज और स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आपको कैलकुलेट होके आती है, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपकी क्वांटिटी जो है वो कैसे चेंज होती है, आपने अगर आपका रिस्क चेंज किया या फिर स्टॉप लॉस चेंज किया तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंबल पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंबल पे आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 24 सितंबर 19, ये आपको आपकी एक्सपायरी आ गई, कौन सा आपने बाय किया था, इंस्ट्रूमेंट क्या था वो आ गया, यहाँ पे बाय प्राइस है, प्रीमियम पे कितने प्रीमियम पे बाय किया था वो यहाँ पे आ गया। बैकग्राउंड कलर देख सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कलर का है, दैट इज सी लिया है, पी लिया होता तो वो आपका ओके। सो मैं आपको पी का भी यहाँ पे ट्रेड दिखा देती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने पी लिया है, तो पी का आपको देख सकते हो बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका पिंक कलर का हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब चार्ट में आपको ये जो वैल्यूज है, दिस इज योर अंडरलिंग बाय प्राइस, यहाँ पे ये आपकी प्रीमियम की बाय प्राइस है, ये आपकी अंडरलिंग की बाय प्राइस है। यहाँ पे आपको चार्ट CMP दिख रही होगी, अब ये जो चार्ट CMP है ये CMP है, ठीक है। सो 25,448 ये आपको यहाँ पे चार्ट CMP दिख रही है। बैंक निफ्टी में अगर मैं गई तो यहाँ पे जो ये CMP है ये CMP है, ठीक है। तो ये क्यों दिया है कि अगर आप कोई दूसरे इंडेक्स में हो तो वहां पे CMP क्या चल रही है वो समझने के लिए। अब जैसे मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, मुझे निफ्टी की CMP चाहिए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस, बता दिया प्रॉफिट पॉइंट। अब प्रॉफिट पॉइंट जो है ये आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे, प्रॉफिट पॉइंट जो है आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेड जो है ये अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आपका ट्रेड खत्म हो चुका है, मतलब आप एग्जिट हो चुके हो ट्रेड में से, तो आपको ये ब्लिंक होते हुए नहीं दिखेगा। और एक बात, ये आप ब्लैक कलर में देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप निफ्टी जो है ये ब्लू कलर में देख सकते हो, सेम थिंग, ब्लैक कलर है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया है तो ब्लू कलर है, आई कैन एडिट, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। ट्रेड टाइम, यहाँ पे आप ट्रेड टाइम देख सकते हो निफ्टी में, अब ट्रेड लेने के बाद मुझे कितना टाइम हो चुका है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो निफ्टी में ट्रेड लेने के बाद मुझे 4 मिनट 52 सेकेंड हो रहे हैं,
ये आपको यहाँ पे टाइम दिख जाएगा, बैंक निफ्टी में मुझे कितना टाइम हुआ है, 1 मिनट 41 सेकेंड्स। सो यहाँ पे आपको ट्रेड का टाइम दिख जाएगा, कितने टाइम से मैं इस ट्रेड के अंदर हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे दिख जाएगी। फिर यहाँ पे रिस्क आ गई, तो कितने रुपीज, दिस इज इन रुपीज, हाँ दिस रिस्क इज इन रुपीज, और यहाँ पे जो रिस्क है ये परसेंटेज में, तो ये कितने रुपीज की रिस्क है ये आपको यहाँ पे है दिख जाएगी। उसके बाद सेल प्राइस, इसका मतलब अभी प्राइस क्या चल रही है मेरी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप निफ्टी में देख सकते हो 138 पे मैंने बाई किया था, सेल प्राइस अभी चल रही है 137.15। ठीक है, सो बेसिकली ये सेल प्राइस जो है ये बिड प्राइस है आपकी, एंड बाय प्राइस जो है वो आपकी आस्क प्राइस है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है दिस इज आस्क प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेल, नेक्स्ट ट्रेल जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हो 25,460 और ब्रैकेट में है 144.84। तो 25,460 क्या है, मैंने अंडरलेइंग पे कितने पे बाई किया, दैट इज 25,448 अगर कॉल किया है तो प्लस प्रॉफिट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट पॉइंट्स मेरे कितने हैं, 12 के हैं। 25,448 प्लस 12, दैट इज माय नेक्स्ट ट्रेल, तो वो 460 आ गया। ठीक है, और ये जो है ब्रैकेट में दिस इज इन प्रीमियम, तो ये जो है नेक्स्ट ट्रेल, इसका मतलब ये टारगेट है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में आपका ये है इन अंडरलिंग एंड प्रीमियम के अंदर, ये ब्रैकेट में लिखा है। बैंक निफ्टी में भी सेम, अंडरलिंग प्रीमियम का जो है ये ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद टीपीएनएल, अब टीपीएनएल का मतलब है दिस इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एफपीएनएल जो है दिस इज योर रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेड खत्म होने के बाद, ट्रेड एग्जिट करने के बाद ये जो वैल्यू है, मतलब अभी अगर मैंने इसे एग्जिट किया, ठीक है इसे मैंने एग्जिट कर दिया, टीपीएनएल की जो वैल्यू है वो एफपीएनएल में आ गई। ठीक है, सो अब ये मेरा रियलाइज हो चुका है, फाइन। अब नीचे आप देख सकते हो टीपीएनएल के अंदर -42 इन ब्रैकेट ये परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इस ये परसेंटेज क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस कितने परसेंट पे है। ठीक है, सो -42 जो -42 रुपीज जो है दैट इज 0.73% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो -42 दैट इज 0.73% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, अगर प्लस में होगा तो ये प्लस में दिख जाएगा, बैकग्राउंड कलर भी अलग होगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, ये आप एग्जिटेड देख सकते हो, क्वांटिटी 0 हो चुकी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो था वो चला गया है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर था वो आपको सेल में आ गया है, जो बाय में था वो आपका सेल में आ चुका है, इन्वेस्टमेंट 0 हो चुकी है, रिस्क 0 हो चुकी है, टीपीएनएल 0 हो चुका है, एफपीएनएल के अंदर इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, एंड ये मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये जो एफपीएनएल है ये आपके बैलेंस के अंदर प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो मेरा जो लाइव बैलेंस है इसके अंदर आपका एफपीएनएल प्लस माइनस होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। ठीक, अब मैंने जो रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद निफ्टी के जो मेरी यहाँ पे पोजीशन थी वो रिफ्रेश हो चुकी है, मतलब वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और प्रॉफिट पॉइंट जो थे वो भी मेरा ब्लिंकिंग होना बंद हो चुका है। करंट स्टॉप लॉस आप देख सकते हो येलो इन कलर है, बैकग्राउंड में जो कलर है वो येलो कलर का है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स दिख रहा है, आपको अगर इमीडिएट एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये इमीडिएट एग्जिट हो चुका है, सो दिस इज एग्जिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके कंसोल में भी दिख जाएगा इमीडिएट एग्जिट, इमीडिएट एग्जिटेड। ठीक है, कितने पे एग्जिट किया वो भी दिख जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी दिख जाएगा, और आपका जो इमोशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये आपको दिखा देगा कि स्टॉप बैंक निफ्टी ट्रेडिंग पोजीशन, तो जो बैंक निफ्टी की पोजीशन थी वो स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो एक आपको बताना था कि अगर आपने बस एक इतना ट्रेड समझ लिया, ठीक है कि कैसे आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, एग्जिट करने के बाद क्या आता है, एंटर करने के बाद क्या आता है, तो आपको सारी चीजें इस कंसोल के अंदर की समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और एक बात, अब ये जो कंसोल है ये आपको आपके सी ड्राइव में, जहां पे आपने आपका फोल्डर सेव किया हुआ है उसके अंदर लॉग फाइल में आ जाएगा लॉग आउट करने के बाद। ठीक है, तो अब मैंने जब लॉग इन किया, जब मैंने एआरएम इंस्टॉल किया था तो दैट वॉज इन सी ड्राइव, सी ड्राइव में आपको एआरएम एनएफओ नाम का फोल्डर आ जाएगा, उसके अंदर आपको लॉग में जाना है,
उसके अंदर आपको लॉग में जाना है। लॉग में जाने के बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल आ जाएंगी, तो इस पीडीएफ के अंदर आपका ये जो ट्रेड लॉग है ये ट्रेड लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल देख सकते हो, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर आपका अभी जो चल रहा सेशन है, अभी जो एआरएम में सेशन चल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ। ठीक है, तो ये मैंने पहले जब 2 बार लॉग आउट लॉग इन किया था तो आपको वो दिख रहा होगा। उसके बाद वहां पे आपको टाइम भी दिख रहा है कि टाइम एंड डेट, टाइम स्टैम्प एंड डेट स्टैम्प वो भी आपको दिख रहा होगा कब। यहाँ पे देख सकते हो 2024, उसके बाद 9/17 टाइम है यहाँ पे 16/21 एंड 49। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होते हुए दिख जाएगी आपके सी ड्राइव के अंदर। अब मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया, ठीक है, ओके। लॉग आउट करने के बाद अभी आप देखो ये मेरा टेक्स्ट फाइल जो थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, और मेरा अभी का जो टाइम है दैट इज 16:49, तो 16:49 ये आपकी यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसे मैंने ओपन किया। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो कंसोल की जो इंफॉर्मेशन थी, कंसोल का जो मैसेज था, जो कुछ था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, तो ट्रेड होने के बाद आपको अगर कुछ जानना होगा आपके ट्रेड के बारे में, मैंने कब लिया था, कौन सा लिया था, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक, ओके, सो लेट मी आई लॉग इन अगेन। यहाँ पे मैंने, ठीक है, पेपर ओनली, ऑडियो ऑफ कर दिया, प्रोफाइल एंड क्रोम लॉग इन। इसे अब मैं स्पॉट में लॉग इन कर रही हूँ, पिछले बार फ्यूचर में किया था। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर, ठीक है, इसका मैसेज आया कि सिस्टम इज रेडी टू टेक पोजीशंस। ठीक, एंड यहाँ पे निफ्टी अंडरलाइन यहाँ पे आपको स्पॉट दिख रहा होगा। पिछले बार फ्यूचर में लॉग इन किया था तो फ्यूचर एंड इन ब्रैकेट आपको उसकी एक्सपायरी आ गई थी, अब स्पॉट आ रहा है। ठीक है, सो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हाँ, ओके, फाइन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका बताया। उसके बाद अब मैं आपको क्वांटिटी कैसे चेंज होती है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्रेकआउट में, मान लीजिए मेरी वैल्यू मैंने डाल दी 25,450। ठीक है, 25,450 के मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मुझे ये स्ट्राइक पे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, फाइन। सो अब यहाँ पे देखोगे क्वांटिटी मेरी जीरो आ चुकी है एंड बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में आ गया। अब ये क्यों आया है? इसका मतलब ये है कि मेरी रिस्क में या फिर स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स में कुछ तो प्रॉब्लम है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब मैंने राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आ गई, सेल्फ हेल्प जो मैंने बोला था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब नीचे आप देख सकते हो मेरी ओपनिंग बैलेंस है 29.90, राइट। तो 29.90 रुपीज में मैं ट्रेड नहीं ले सकती, बराबर, इसलिए उसने आपको क्वांटिटी जीरो बता दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा अगर कोई भी डाउट हो, कोई मतलब कोई भी पर्टिकुलर फील्ड या फिर इसके ऊपर डाउट हो, यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर देना है या आपको उसकी पॉपअप विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, एंटर, एंड यहाँ पे फिर से एंटर किया। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस, लाइव बैलेंस आ गया है, रिस्क भी आ गया है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट वैल्यू डाल दी मेरी 25,450। ठीक है, ब्रेकआउट इज 25,450, मैंने स्ट्राइक लिया है 25,350 का, फाइन। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख है, लाइव बैलेंस जो है वो 1 लाख है। ठीक है, क्वांटिटी जो है इसके अंदर मैं 2 क्वांटिटी ले सकती हूँ। अब वो 2 क्वांटिटी में क्यों ले सकती हूँ, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो 44.75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और रिस्क जो है वो मेरी 2% की है। अब मान लीजिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कम किया। ठीक है, तो कम किया का मतलब क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे स्कैल्प में दिखाती हूँ। तो अगर मैंने 5 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो क्वांटिटी मेरी 22 क्वांटिटी आ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, राइट। रिस्क मेरी उतनी है, रिस्क जो है वो मेरी 2% के अंदर, 2% के इसमें ही आ रही है, मेरे लाइव बैलेंस के ऊपर 2% के अंदर ही है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स देख सकते हो 5 के। ठीक है, तो मैंने 5 सेलेक्ट किया तो 5 आ गया।
यहाँ पे 10 सिलेक्ट किया, क्वांटिटी मेरी कम हो गई, 22 से 11 हो गई, ठीक है। और मैंने बढ़ाया मेरा स्टॉप लॉस, 15 का किया 11 से 7 हो गई, और बढ़ाया 20 किया तो 7 से 5 हो गई। इसका मतलब क्या है, अगर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा है तो आपको क्वांटिटी कम आएगी, अगर आपका स्टॉप लॉस कम है तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर है, आपको क्वांटिटी जो आएगी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे मान लो मैंने रिस्क जो है इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जब मैं 1 लाख के ऊपर 2% की रिस्क ले रही थी विथ स्टॉप लॉस ऑफ 20, मेरी क्वांटिटी आ रही है 5, मान लो मैंने इसे बढ़ा दिया, मैंने इसे 10 कर दिया, ठीक है, मुझे 10% के रिस्क लेने हैं। अब जब मैंने इसे 10% की रिस्क लेनी है बोला, मेरी क्वांटिटी 28 कर दी, उसी के साथ मेरी रिस्क जो है वो भी बढ़ गई, राइट। तो 10% अगर मैंने किया है तो 10% के रिस्क आएगी आपके लाइफ बैलेंस के ऊपर, इसे मैंने और अगर बढ़ा दिया तो आपको क्वांटिटी और बढ़ के आएगी, राइट। सो दिस इज नाउ 28। अब मान लो मैंने इसे कम किया, ठीक है, तो जब ये 2 था तो 2 में आपको क्वांटिटी आ रही है 5 की, इसे मैंने कम किया, ठीक है, 1 किया तो आपको क्वांटिटी आ रही है 2 की, ठीक। तो आपका अगर रिस्क आप बढ़ा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, रिस्क अगर कम कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी जो है वो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर और आपके रिस्क के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस या फिर रिस्क दोनों में से किसी में भी अगर गड़बड़ है तो आपको क्वांटिटी एआरएम अलॉट नहीं करके देगा, वो 0 वाला जो था ना स्टार्टिंग में आया था वो आपको आ जाएगा, ठीक है। और एक बात, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है यहाँ पे, जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख सकते हो ये, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आप आपका स्टॉप लॉस जो है इसे चेंज कर सकते हो। आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से स्टॉप लॉस लेना है तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो आपका बियर स्टॉप लॉस, बुल स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में ये बुल है, बीयू है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो बैकग्राउंड का जो है बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस को वो आपको हाईलाइट होते हुए दिख रहा होगा, राइट। तो ये आपका उसके हिसाब से चेंज हो रहा है ये बता रहा है, ठीक है। तो मैंने बी किया, बीयू किया, ये बैकग्राउंड जो है दिस इज चेंजिंग, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो ये आप वहां पे जाके राइट क्लिक किया, मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाएंगी, डोजी, बेरिश, हरामी, एंगल्फिंग। जिसको कैंडल स्टिक पैटर्न पता है वो ये यूज करे, जिसे नहीं पता है तो यू कैन यूज नॉर्मल जो है अपना प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सेटिंग्स के अंदर आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स आपके सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो कुछ भी पैरामीटर्स लिखे हुए, बैलेंस है, बुकिंग स्ट्रेटेजी है, टाइम फ्रेम है, रिस्क है, प्रॉफिट पॉइंट्स है, ये आप सेव कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने सेव करने के बाद अगर लॉग आउट करके लॉग इन किया तो आपके बाय डिफॉल्ट वही प्रॉफिट पॉइंट्स, वही जो आपकी सेटिंग है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसे, मेरा जो टाइम फ्रेम है उसे 15 में चेंज किया, ठीक है, आई चेंज माई टाइम फ्रेम टू 15। एफपीएनएल मान लीजिए मैंने 20 कर दिया यहाँ पे, रिस्क मैंने यहाँ पे 10 कर दी, एंड प्रॉफिट पॉइंट्स यहाँ पे 20 किया, ठीक है। ओके, लेट मी कीप एवरीथिंग सेम, दिस इज ऑल्सो 20, दिस इज ऑल्सो 20, 20, 20, 20, ठीक है। अब ये 15 किया है, ये 20% किया है, प्रॉफिट पॉइंट्स मेरे 20 है, रिस्क मैंने 10 की कर दी। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स में आप देखोगे अभी स्ट्रेटेजी मेरी 20 की हो चुकी है, टाइम फ्रेम 15 का आ चुका है, रिस्क परसेंटेज 10 का आया है, ये 20 20 20 है, इसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अभी मैंने इसे लॉग आउट किया, ठीक, ओके एंड यस, और अभी मैंने इसे फिर से लॉग इन किया, ठीक। तो अब यहाँ पे ये कंसोल विंडो आ गई, ये जीयूआई विंडो आ गई, इसे मैंने पेपर ओनली किया, ऑडियो ऑफ कर दिया, प्रोफाइल में गए, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन करने से पहले था ये आप देख सकते हो 5 है, ये 12, 24 एंड 15 है। एफपीएनएल में आप जो डिफॉल्ट है वो है, और टोटल रिस्क में 2% है, ये मैंने लॉगिन कर दिया, क्रोम लॉगिन किया, स्पॉट में गई, यहाँ पे ओके कर दिया।
ठीक है, तो अब ये लॉग इन हो रहा है। अब लॉग इन होने के बाद आप देखोगे कि 5 का जो है, 5 टाइम फ्रेम उसका 15 हो जाएगा। प्रॉफिट पॉइंट जो है वो मैंने जो सेव किए थे वो आ जाएंगे, FPNL जो सेव किया था वो आ जाएगा, रिस्क जो है सेव किया था वो। तो हाँ ये आप देख सकते हो, दिस इज 15, यहाँ पे 20 है, प्रॉफिट पॉइंट्स 20 आ चुके हैं, FPNL 20 आ चुके हैं, रिस्क आपकी 10 आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपका सेटिंग्स का है, आपको डिफॉल्ट जो सेट करना है वो आप सेट कर सकते। उसके बाद ऑडिट एक नॉर्मल है, MIS है, तो आपको अगर 3 बजे के बाद अगर ट्रेड लेना है तो आप नॉर्मल में ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बाद में ट्रेड लेते हो तो जीरोदा, या जीरोदा जो है वो आपके ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है। तो अगर नॉर्मल में ट्रेड ले रहे हो, अगर 3 बजे के बाद है तो आप नॉर्मल में सिलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हो, या फिर डे टाइम में है तो आप MIS रख के उसे डिफॉल्ट जो है वो MIS है उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक डिफरेंस है, तो ये निफ्टी की स्ट्राइक डिफरेंस है, बैंक निफ्टी की स्ट्राइक डिफरेंस है, फिर निफ्टी की स्ट्राइक डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्राइक्स आपको दिख रही है ना यहाँ पे, दैट इज 25,350, 25,400, 25,450, और यहाँ पे भी PE साइड में भी, तो ये स्ट्राइक जो है ये अगर आप निफ्टी की जो 50 है इसको अगर आप 200 कर रहे हो, ठीक है, अगर 200 कर रहे हो, इसे सेव कर दिया, अब ये स्ट्राइक्स आपकी बदल जाएंगी, 200 के राउंड में आ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज 25,200, 25,400 एंड 25,600। ठीक, तो निफ्टी में आपको यहाँ पे ऑप्शंस है, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस है, फिन निफ्टी में ऑप्शंस है, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट जो है वो मिनिमम स्ट्राइक डिफरेंस जो है वो है, मैंने इसमें सब में 500 500 500 कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 500 का मेरा डिफरेंस आ रहा है, स्ट्राइक डिफरेंस इज 500, बैंक निफ्टी में भी माई स्ट्राइक डिफरेंस इज 500, फिन निफ्टी में भी माई स्ट्राइक डिफरेंस इज 500। ठीक है, तो ये जो है दिस इज स्ट्राइक डिफरेंस, सेटिंग्स के अंदर ही ऑप्शन है। उसके बाद ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा सेटिंग्स का, इसे मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसे मैं फिर से डिफॉल्ट कर देती हूँ 100। ठीक है, सेव, ओके, सो फाइन। तो अब हम कुछ पॉपअप विंडोज देख लेते हैं फटाफट से। पॉपअप विंडोज में क्या क्या है, तो दिस इज फर्स्ट, ये एरर वाली पॉपअप विंडो, ये बहुत सारे लोगों को आती है पर समझ में नहीं आता क्या है। तो लिखा हुआ है प्लीज चेक फॉलोइंग, बुल स्टॉप लॉस चेक करना है, बैलेंस चेक करना है, आस्क प्राइस चेक करनी है, चार्ट ब्रेकआउट पुल बैक वैल्यू चेक करनी है, या फिर आप ऑलरेडी ट्रेड के अंदर हो और आप फिर से ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो तब ये पॉपअप विंडो आपको आएगी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, अब ये ट्रेड लिया है मैंने, निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया है, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपको पॉपअप विंडो आ गई। ठीक है, ये आपको एरर वाली पॉपअप विंडो आ गई। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस चेक करो, बैलेंस चेक करो, आस्क प्राइस चेक करो, ब्रेकआउट पुल बैक वैल्यू चेक करो, या फिर यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड, इनमें से कुछ तो है इसलिए आपको ये पॉपअप विंडो आई है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है अगर आपको ये पॉपअप विंडो आ रही है तो, दिस इज एरर वाली पॉपअप विंडो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, तो ये चेक करना है ट्रेड लेने से पहले, स्टॉप लॉस चेक करना है, बैलेंस चेक करना है, आस्क प्राइस चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद ओके, हाँ, ट्रेड कैंसल्ड, अगर आपका स्पॉट लॉस इज ग्रेटर देन रिस्क इन ट्रेड तो आपको ये ट्रेड कैंसल्ड वाली पॉपअप विंडो आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रेड जो है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप देखो कि बाय प्राइस जो है 116.25, सेल प्राइस जो है वो 80 है, इसका मतलब स्प्रेड जो है इसके अंदर ये बहुत बड़ा स्प्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हो, मेरा 1 लाख है, रिस्क जो है मेरी 1 लाख 1% लेने की है। तो अगर एट प्रेजेंट अभी अगर मैंने ट्रेड लिया तो स्पॉट में मुझे लॉस, मैंने ये ट्रेड लेते ही मुझे लॉस जो होगा दैट इज 2,718.75। ठीक है, ये जो रिस्क है ये मेरे रिस्क से, जो मेरी ट्रेड की रिस्क है इससे ज्यादा है, तो आपको ARM बोलेगा कि मैं ट्रेड ये नहीं लेके दे सकता, क्योंकि लेते ही आप लॉस में जा रहे हो और आपका जो रिस्क है उससे ज्यादा लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रेड कैंसल की आपको पॉपअप विंडो आ जाएगी। उसके बाद ट्रेड नॉट बुक, तो ये पॉपअप विंडो का मतलब ये है कि अंडरलिंग में आपका टारगेट हिट हो चुका है पर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अंडरलिंग में
आपकी मूवमेंट हो चुकी है, तो दिस इज माई चार्ट, चार्ट CMP 2502 CMP ये चल रही है। नेक्स्ट ट्रेल जो था मेरा टारगेट जो था दैट इज 2501, ठीक है, तो मेरा टारगेट हिट हो चुका है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीमियम में देखोगे तो 2517.45, सेल प्राइस जो है 2517.35, तो कम है, मैं अभी भी लॉस में चल रही हूँ। मतलब भले ही अंडरलिंग में मेरा टारगेट हिट हो चुका है पर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये जो है ये आपके एक्सपायरी डे के दिन होता है, ठीक है, तो जब भी कभी ये आएगा तो आपको ऐसे पॉपअप विंडो आएगी, सो इट सेज कि प्लीज रीएनालाइज योर ट्रेड। ये बस आपको एक इंफॉर्मेशन की पॉपअप विंडो है, इससे एआरएम कुछ नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये पॉपअप विंडो आपकी चली जाएगी। उसके बाद ऑर्डर स्टेटस प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जीरोदा का अगर कुछ स्टेटस का प्रॉब्लम होगा, मतलब ऑर्डर डालने के बाद जीरोदा के ऑर्डर बुक में भी आपको ऑर्डर नहीं दिख रही है, या फिर जीरोदा एआरएम को बता नहीं रहा है कि भाई ऑर्डर का क्या स्टेटस है, ओपन है, ओपन है, कंप्लीट है, कि रिजेक्ट हो चुकी है, कि कैंसिल हो चुकी है, क्या हुआ है, नहीं बता रहा है, तो आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। इसके अंदर आप ट्रेड कैंसिल कर सकते हो एआरएम में से, अगर येस पे क्लिक किया तो ट्रेड इज कैंसिल फ्रॉम एआरएम, रिट्राई पे क्लिक किया तो एआरएम रिट्राई करेगा जीरोदा से वो स्टेटस मांगने को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे येस पे क्लिक किया है आपने, इसका मतलब ये होगा कि एआरएम में आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं दिखेगा, पर आपको उस ट्रेड के बारे में जीरोदा में जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपको वो पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में जीरोदा में जाके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर का क्या हुआ है, बस एआरएम से वो ट्रेड नहीं होगा, ठीक। उसके बाद इमीडिएट एग्जिट कैंसल्ड, तो अगर आप इमीडिएटली एग्जिट कर रहे हो और ये ऑर्डर आपकी अगर पेंडिंग में जा रही है, ठीक है, ये मतलब ओपन है, तो आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी कि इमीडिएट एग्जिट जो है ये कैंसिल हो चुकी है, आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, यू ट्राई अगेन, ओके, तो इसके ऊपर ओके पे क्लिक कर देना। यस, और एक बात, जब आपकी ऑर्डर वेटिंग में जाती है दैट इज अगर ओपन रहती है या फिर पेंडिंग रहती है, तो एआरएम में आपको यहाँ पे वेट और इन ब्रैकेट यहाँ पे टाइमर आ जाएगा, दिस इज डाउन काउंटिंग, तो 10 सेकेंड का टाइमर है ये, 10 9 8 7 6 5, तो ये नीचे की तो ये डाउन काउंटिंग है, ये जैसे ही जीरो हो जाएगा अगर इसमें हो आप, अगर आपने इमिडिएटली कैंसिल किया है, तो 1 होने के बाद ये काउंटर खत्म होने के बाद आपको ये पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है। और अगर ये एग्जिट वाला नहीं है, अगर आपने इमिडिएट एग्जिट नहीं किया तो एआरएम विल ट्राई अगेन, ठीक है, तो एआरएम फिर से उसे ट्राई करेगा आपको ऑर्डर जो है उसे एग्जिट करने की, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो इन ब्रैकेट 1 है, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेलिंग एक बार हो चुका है, तो जो मैंने आपको ट्रेलिंग बताया T1 T2 T3 T4, तो वो ट्रेलिंग ये आपको करंट स्टॉप लॉस में ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपकी ट्रेलिंग हो चुकी है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक बार ट्रेल हो चुका है, यहाँ पे 2 होगा तो 2 बार ट्रेल हो चुका है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उतनी बार आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों ट्रेल हो चुका है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें आपको दिख जाएगा, नहीं इसमें नहीं है, करंट स्टॉप लॉस, यस यहाँ पे करंट स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, करंट स्टॉप लॉस में ये 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, राइट, सो इसका मतलब है 2 बार आपका ट्रेलिंग हो चुका है, एक है तो एक बार जो नंबर होगा उतनी बार आपका ट्रेलिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जीरोदा कनेक्शन लिमिट, तो इसका मतलब ये है कि जीरोदा का अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको ये पॉपअप विंडो आ जाएगी, सो व्हाट एआरएम विल डू कि अगर जीरोदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एआरएम बोलेगा प्लीज लॉग आउट करो एआरएम से, ठीक है, तो आप यहाँ से लॉग आउट करना है एंड आपकी जो सारी पोजीशंस होंगी वो आपको जीरोदा में जाके चेक करनी है, देखनी है या फिर हैंडल करनी है, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एआरएम, एआरएम के बारे में मैंने आपको सारी पॉपअप विंडोज बता दी, जो जो था मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द Q&A सेशन। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद अपने आप को, ओके, आस्क टू मैम अनम्यूट, फर्स्ट क्वेश्चन तो यस, प्राइस क्या है, तो प्राइस सवाल पूछिए आपको, प्राइस हाँ क्या है, हाँ हेलो, इसका प्राइस क्या है जी। सॉफ्टवेयर का, हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
ये पेपर लाइसेंस है एंड रियल लाइसेंस है, ठीक है? तो अगर पेपर लाइसेंस में आप जा रहे हो तो पेपर लाइसेंस में आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, 3 महीने के 354, 6 मंथ्स का इतना, 6 मंथ्स इज 649 एंड 1 ईयर इज 1118, ठीक है? तो ये पेपर का हुआ, एंड रियल में ही आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक? पेपर ट्रेड से तो केवल हम अपने सीखने के लिए करेंगे ना, बाकी तो उससे कुछ हमारा कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। हाँ नहीं, आप पेपर ट्रेड, आप सीखने के लिए है पेपर ट्रेडिंग जो है, दैट इज फॉर योर लर्निंग, ठीक है? तो जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पहले सीख लें कि भाई कैसे है, उसके बाद आप रियल में जा सकते हैं, ठीक है? ओके, और है कोई सवाल? आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। आर यू एबल टू अनम्यूट? अच्छा, हैंड रेस कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, जिन्हें जिन्हें सवाल है हैंड रेस कीजिए प्लीज। सौरभ, हेलो। हाँ यस, नितिन, नितिन राइट? हाँ राइट। यस 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 मैं MCX वाले में ट्राई कर रहा था, ARM में एक हाँ दिन। तो उसमें ना अभी जब भी ट्रेड लेते हैं ना, तब वो हायर प्राइस पे बाई कर रहे हैं, अच्छा, हायर प्रीमियम पे बाई कर रहे हैं। वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हाँ कमोडिटी वही। में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, अच्छा। राइट? तो आपकी जो डिफरेंस है, स्प्रेड का डिफरेंस एंड लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है कमोडिटी में। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको उतना नहीं दिखेगा, पर कमोडिटी में आपको बहुत दिखेगा। हाँ, कम्युनिटी में आई थिंक कंटिन्यूअसली चल ही रहा है अभी तक बहुत हाँ टाइम से, यस यस इसीलिए ठीक है, यही यस डाउट था मेरे को। ओके। हेलो। हाँ हाँ जी मैम, जैसे हम कहते हैं ना स्काल्पिंग मेथड यूज करते हैं, तो जैसे हमारा स्टॉपलॉस हो गया मान लो जैसे 5 पॉइंट का या 15 पॉइंट का, ठीक है SL हो गया, तो जो हाँ हमारा जो टारगेट है वो भी 15 पॉइंट ही का होगा क्या, या वो तो अपने हिसाब से लेगा जितना हमने सेट किया उतना लेगा? टारगेट यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये जो नहीं, इस प्रॉफिट पॉइंट्स है ना, मैं स्काल्पिंग का बात कर रहा हूँ। जी, स्कैल्पिंग में। ओके, आई विल शो यू, आई विल शो यू। ये मैंने स्कैल्पिंग 5 किया, यस बराबर? प्रॉफिट पॉइंट्स मेरे 20 के हैं, ठीक? ये ट्रेड लिया मैंने, ठीक जी जी है? ट्रेड लेने के बाद ये आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, 5 पॉइंट का है, जी बराबर? यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट ट्रेड जो है ये मेरा 438 है, तो ये 5 पॉइंट का टारगेट नहीं है आपका, ये 20 पॉइंट का टारगेट है आपका, ठीक ओके 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 यस यस है? ये जो प्रॉफिट पॉइंट्स है ये आपका टारगेट है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट्स है, ठीक है? यस मैम। ओके थैंक ओके 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 ओके। सौरभ, सुभाष, सौरभ, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, के लिए। हाँ आपकी सुभाष आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही। यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो। हेलो मल्लिका गुप्ता, या आई वाज ये आस्किंग दिस स्टॉक के होल, लिए कि खाली इंडेक्स के लिए? अच्छा ये इंडेक्स के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। या कैन आई स्पीक? यस यस इनके अलावा यस, चार मुझे व्हाट आई चलेगा, वाज सेइंग। बैंक अच्छा, पहले इनको बोलने दीजिए। हाँ जी बोलिए मैडम, बोलिए, वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। सेंसेक्स या बैंक एक्स में चलेगा ये, या नहीं, सिर्फ खाली तीनों में ही? तीनों में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है आपके हाँ पास, दिस इज तीनों निफ्टी ऑप्शन बैंक भर निफ्टी लीजिए एंड फिन निफ्टी। इन निफ्टी। ओके, आई हैव टू क्वेश्चंस। वन, कैन वी सी दिस प्रेजेंटेशन समवेयर एल्स अगेन सो दैट वी कैन रिविजिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाँ, बेटर? यू विल रिसीव अ रिकॉर्डिंग, ओके, सेकेंड रिकॉर्डिंग क्वेश्चन। पूरी मिल जाएगी। हाँ अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज शायद डाउट लगी या मेरे को समझ नहीं आया, ये क्वांटिटी अपने आप पिक करता है या हम लोग के पास ऑप्शन है क्वांटिटी चेंज करने की? नहीं, क्वांटिटी अपने आप कैलकुलेट करता है आपके स्टॉप लॉस और रिस्क के ऊपर, मनी ओके मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, देन मे बी आई सी द प्रेजेंटेशन अगेन, देन आई अंडरस्टैंड। ओके ओके थैंक यू।
ओके, मुन्ना कुमार, सुभाष, नितिन, विनोद, रेज हैंड है, आपकी जो हैंड्स है वो रेज्ड है। और है किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैम, नितिन बोल रहा हूँ। जी ये मेरे को मैंने जीरोधा अकाउंट में मेरे कुछ फंड पड़ा है ना, तो हाँ मेरे को सिर्फ हाँ एआरएम में सिर्फ पेपर ट्रेड यूज़ करना है और मेरे को अकाउंट को एडिट करना है ना, बैलेंस को एडिट हाँ करना है। तो मेरे हाँ को लॉगिन से पहले आपने शायद ये बताया, तो पेपर ओनली में करके फिर लॉगिन करना है, उससे करने से हो हाँ जाएगा फिर? यस। ठीक है। तो पेपर ओनली में कर रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकोगे, उसके अंदर रियल ट्रेडिंग नहीं कर हाँ सकोगे। हाँ पर मेरे को बैलेंस एडिट करने हाँ हाँ यस 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 का। बैलेंस, यस 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 ठीक है ठीक है। हेलो मैम, जी मैम ये स्टॉप लॉस जो है वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, मुझे कितनी स्टॉप लॉस चाहिए? हाँ, तो ये आप ही डिसाइड करोगे ना? तो मैम हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में तो पॉइंट डिसाइड पहले से किया हुआ है ना, 5, 10, 15 में नहीं, से। ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, ये आपने अगर जीरो कर दिया ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम सिलेक्शन अगर जीरो कर दिया तो ऑटो अपडेट जो है ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस चाहिए वो स्टॉप लॉस आप डालो आपके हिसाब से ठीक है। तो जैसे आप ये जीरो करते हो तो एआरएम ऑटो अपडेट नहीं करेगा आपके टाइम फ्रेम, यहाँ पे टाइम फ्रेम में कुछ सिलेक्ट नहीं किया है तो ऑटो अपडेटेशन बंद हो जाएगा। फिर आप जब भी कभी ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपको मैन्युअली आपकी वैल्यू डालनी है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना चाहिए ठीक है। एंड स्कैल्पिंग में जो ये ऑप्शंस है, ये यही ऑप्शंस है, आपको चार ही ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो 5 रखो, 10 रखो, 15 रखो या फिर 20 रखो ठीक है, उसके हिसाब से। नहीं मैम, स्कैल्पिंग में तो ये 5, 10, 15, 20 तो दिया हुआ ऑप्शन है, अगर मुझे 11, 12, 13 पॉइंट चाहिए, 17, 18, 19 पॉइंट चाहिए, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कहाँ से बोले यहाँ मैम? पे ये बुल स्टॉप लॉस, बुल आप देख सकते हो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये हाँ बुल स्टॉप मैम। लॉस मैंने हाईलाइट किया, इसे मैंने 25,400 कर दिया ठीक है, तो अब स्टॉप लॉस मेरा कितना 18.55 का आ जाएगा। प्राइस अभी 418.55 चल रही है, बुल स्टॉप लॉस 400 कर दिया, ये ट्रेड लिया मैंने ठीक है, ये आ गया मेरा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आप यहां से एडिट कर सकते हो। मैडम, ओके तो ये तो लिखा हुआ है BRSL, तो यह सेल साइड वाला है, उसके लिए ऐसे ना है? ओके हाँ, ये बियर एसएल मतलब पी का स्टॉप लॉस आएगा इसके अंदर, ओके, सेल पे। ये बियर ट्रेड जब लोगे तो बियर एसएल आएगा, बुलिश के ट्रेड जब लोगे तो बुल एसएल आएगा। ये आईपैड पे नहीं चलेगा नहीं, आईपैड पे नहीं चलेगा, ये विंडोज 10 11 इसके ऊपर ही ना? चलेगा। और मैकबुक जी मैडम, ये में जीरोधा में अकाउंट नहीं है और गुडविल में है, तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके नहीं नहीं कर थ्रू? सकते, आपको इसके लिए सिर्फ जीरोधा में अकाउंट चाहिए, मतलब ये जो एआरएम अच्छा, जो है ये अभी जीरोधा ब्रोकर के इसके ऊपर ही है। ओनली मतलब जीरोधा ही एक्सेप्ट कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर? हाँ, तो आपने बस जीरोधा का ये अकाउंट ओपन कर दिया, बैलेंस भी जीरो रखा, तो भी आप इसके अंदर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज यू कैन चेंज योर बैलेंस फ्रॉम हियर राइट। ओके हाँ, तो जीरो बैलेंस भी होगा ओके तो भी चलेगा जीरोधा के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक ओके है मैडम। मैम, पेपर ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर लेंगे कल से। इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे जी मेरे अकाउंट पे जीरोधा के अकाउंट पे फंड ज्यादा रहता है, तो क्या पूरा फंड ये यूज करेगा, या हमारे पास परमिशन है कि हम कितना यूज करने दें इसको रियल में कि पेपर में? रियल में? रियल में रियल में, तो रियल में आपका जितना फंड है उतना पूरा यूज करेगा, पर अगर आपको आपके हिसाब से अगर चाहिए राइट, हाँ। तो आपको आपका जो रिस्क है वो आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक। नहीं, तो जैसे आपका जो, मैं चाहता हूँ केवल हमारा 10 लाख का फंड यूज करे, बाकी ना यूज करे, फंड ज्यादा हाँ है, तो हाँ हाँ ये यस कैसे यस हम कर यस सकते हैं? ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैं इसमें ना आपको दिखा देती हूँ कैसा है मेरी लॉगिन ठीक है, ये मैंने अब लॉगिन कर रही हूँ। ओके
आपको जितने का चाहिए ना वो आप एक्चुअली चेंज चेंज नहीं कर सकते, बस आपको रिस्क आपकी वैसे एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस भी हमारा ज्यादा हो जाएगा ना, अगर रिस्क हम बढ़ा देंगे तो स्टॉप लॉस हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो उससे तो कोई हमारा कोई रिस्क बेनिफिट नहीं आपको आपकी होगा। कम करनी पड़ेगी, रिस्क कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी नहीं, कम करनी पड़ेगी। मैडम आपके कुछ वीडियोस है जिसको हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है? हाँ है, वीडियोस है। आप आपको gavamaintaining@gmail.com इसके ऊपर बस आप एक बार पिंग कर दीजिए, ठीक है? तो मैं आपको आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। gavamaintaining किस पे मैम पिंग करना है? @gmail.com अच्छा आपको आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ चाहिए होगा, लॉगिन कैसे करना है, बैलेंस कैसे अपडेट करना है, ये कुछ चीजें हैं, जो उसके ये शॉर्ट वीडियोस हैं। वेबसाइट है जो आपकी, उसमें मिल जाएगा लिंक? जी, तो मैं वेबसाइट पे हूँ आपकी, कहाँ पे जाना पड़ेगा? ये मैंने अभी लॉगिन किया है इसको, इस पे लिखा आ रहा है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाउनलोड ए आर एम। हाँ, तो आपको नीचे वहां पे मेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, जी, हाँ, ठीक तो दिख रहा है है, gavamaintaining@gmail.com। हाँ जी, यस यस, वहां पे बस एक बार पिंग कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? सो वी विल ठीक प्रोवाइड है, ओके, थैंक यू मैडम। ठीक। अब ये मैंने पेपर रियल बोथ, दिस इज यस ठीक, ये मैंने क्रोम लॉगिन किया, स्पॉट में लॉगिन कर रही हूँ, ठीक है? ओके, अब ये जो अकाउंट है इसके अंदर आपको बैलेंस दिखेगा, लाइव बैलेंस जो है वो है ज्यादा, ठीक है? तो इसके अंदर आपको कैसे करना है, आई विल जस्ट शो यू। ये ओके, तो अब बैलेंस आप देख सकते हो 4 लाख है, 4,14,330, ठीक है। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, राइट? तो मैंने रिस्क जो है ये 1% कर दी, ठीक है? सो अगर आपने आपकी रिस्क कम की है तो आपका कैपिटल जो है वो कम यूज होगा, समझ रही है मेरी बात? रिस्क अगर आप कम रख रहे हो तो आपका कैपिटल जो है वो कम यूज होगा, रिस्क अगर आप बढ़ा रहे हो। इस कंडीशन में तो जैसे बैंक निफ्टी है तो 20 पॉइंट का एसएल ले लेगा, वो तो हमेशा उड़ जाएगा। हाँ, तो आपको स्टॉप लॉस फिर बना रखना पड़ेगा ना, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कभी भी उड़ जाएगा बैंक ने, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको बढ़ा रखना पड़ेगा। तो हमें मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। जी, आपको फिर मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कितने मतलब लिमिटेशन है कि मुझे इतना ही फंड यूज करना है, तो फिर आपको कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा कि रिस्क कितनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, कितने पे लेना है, राइट? तो अब मैंने यहाँ पे आप देखो स्टॉप लॉस नहीं, जो है अगर वो मैम सिक्सटी पॉइंट्स का लिया है। सारी चीजें अपने आप करनी पड़ेंगी तो हम फिर ऑटो रिस्क मैनेजमेंट का हमारा फायदा क्या होगा फिर? नहीं, अगर ये जो है अब मैंने टाइम फ्रेम, अब देखो मैंने टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है? अब ये थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है कि अगर आप आपका टाइम फ्रेम बड़ा रख रहे हो तो आपकी कैंडल्स बड़ी बड़ी आएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, राइट? अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो बिल्कुल सही। क्वांटिटी तो वो कम लेगा, पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लेगा, राइट? हम इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला फिर। आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम आ रही है ना, आपको इन्वेस्टमेंट कम रखनी थी आपकी, राइट? इन्वेस्टमेंट दिस कम वाज रखना योर बट गोल। हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा बहुत चला अरे जाएगा ना, हमें मैनुअल अपडेट करना है, एवरीथिंग मैनुअल बाबा, करना है फिर। नहीं, ना ना ना, मैंने स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का लिया है इसके अंदर, ठीक है मैडम का सिक्सटी कहना है पॉइंट्स का कि वो स्टॉप दिन लॉस भर लिया में है अगर मैंने इसके अंदर। कैंडिड कैंडिड अगर 60 पॉइंट पे काम करी तभी वो स्टॉप लॉस हट होगा ना मैडम? हाँ, तो 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है ना, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हाँ आपको आपकी ये रखनी पड़ेगी ना, हाँ हाँ वही मैं स्टॉप कह लॉस रहा हूँ। मान अकाउंट लिया में दिन लिस्ट भर रखना मार्केट ही पड़ेगा, काम राइट? नहीं कर रहा, 60 पॉइंट ही वर्क नहीं कर रहा, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन का प्रीमियम ही डाउन हो जाएगा, उसी में हिट हो जाएगा। आपकी बात नहीं समझ में आ रही है मुझे, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। आपको बोलना क्या है? आपको आपकी रिस्क कम रखनी है कि इन्वेस्टमेंट कम रखना है, कि स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, कि स्टॉप लॉस कम रखना है? व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? मेरा गोल्स भी इतना है कि हमारा जितना फंड जीरोधा में है वो पूरा यूज ना हो। हाँ, तो पूरा यूज नहीं करना है तो आपके रिस्क कम कर दो ना बाबा। अगर आपने आपके रिस्क कम कर दी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इसका मतलब आपकी पूरी पूरा जो आपका कैपिटल है वो नहीं यूज होगा, समझ रही है मेरी बात?
क्वांटिटी वो लेके दे रहा है आपको, 3 क्वांटिटी तो उसने लेके दी। मैम ये मेन कैपिटल की बात कर रहे हैं, मेन कैपिटल जो ना ये बोल मेन रहा है मेरा बायोप ना हो सके। कैपिटल मतलब जो इन्हें जीरोधा में डाल रखे हैं ना, डिपॉजिट कर रखे हैं ना ये उनका। तो यहाँ पे ये भी मेरा जीरोधा का ही कैपिटल है, दिस इज माय लाइफ बैलेंस, ये जीरोधा का कैपिटल है, ये मेरा पेपर का नहीं है, लाइफ बैलेंस के ऊपर आप देख सकते हो मेरी रिस्क आई है 1,562 रुपीज की, इन्वेस्टमेंट मेरा इतना ही हुआ है, 9,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनको उनकी ओके इन्वेस्टमेंट कम रखनी है राइट, तो इन्वेस्टमेंट अगर कम रखनी है तो रिस्क कम कर दो, यस ये आपको अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बेसिकली हर बार नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार आपका कैपिटल चेंज करने वाले हो क्या, हर बार कैपिटल चेंज करोगे आप? डिपेंड करता है मैम मार्केट किस तरीके से चल रही है। नहीं अरे बाबा, बट ऐसा थोड़ी हर बार आप कैपिटल आपका हर रोज आपका कैपिटल चेंज करोगे आप, यू विल चेंज एवरी डे योर कैपिटल। चलिए मैम पेपर ट्रेड एक बार रियल ट्रेड लेकर के देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के चेक करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कंटिन्यू कैसे करना है। जी, तो आप देख, क्योंकि जब तक रियल में आप नहीं आएंगे ना, ट्रेड करके देखिए, रियल नहीं में नहीं आएंगे तो नहीं पेपर ट्रेड में तो केवल हमें सीखना नहीं है, हमें रियल में काम करना है। नहीं 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 बेसिकली नहीं, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो कि भाई पहले मैंने रियल का ले लिया, पहले रियल में ट्रेड करो फिर पेपर में, वैसा मत करना, पहले पेपर में ट्रेड करो, पेपर में समझो कि मुझे कितने का रिस्क, आपका जो पॉइंट है ना, मुझे समझा आपका जो पॉइंट है ना कि मुझे मेरा इतना कैपिटल नहीं यूज करना है राइट, तो वो जब आप पेपर में पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इतने रिस्क के ऊपर मेरा इतना कैपिटल यूज हो रहा है, तब आप मैडम जाके रियल में जाओ, डायरेक्टली रियल में मत जाओ, प्लीज डोंट डायरेक्ट रियल ट्रेडिंग मत करो इसके अंदर, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, समझो पूरा सिस्टम कैसा है, उसके बाद रियल में जाओ, क्योंकि ठीक है मैम। अगर आप डायरेक्टली रियल में जाओगे ना आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो आपके ऊपर, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर पता नहीं है कैसे काम करता है, आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है वो नहीं पता, आपको मतलब आपको आपके पास कंडीशंस है अलग अलग राइट, मुझे इतना ही रिस्क रखना है, मुझे इतना ही कैपिटल यूज करना है, तो पहले पेपर में करो उसके बाद रियल में जाओ। एक वन सेकेंड वन सेकेंड। हेलो एम आई ऑडियबल? हेलो एम आई ऑडियबल? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस क्लियर आ रही मैम, आवाज क्लियर आती है। या सो द पॉइंट इज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रियल ट्रेड लाइसेंस, यू गो फॉर पेपर ट्रेड लाइसेंस। You write whatever amount you have in reality in your account in paper trading, and then adjust your risk according to your requirement. Take a trade. If you are able to do that, then only go for real trading. Otherwise, don't go for real trading. Otherwise, you will wipe up your capital 100%. It is as simple as that. Right? Are you getting my point? हेलो हेलो, यस दैट पॉइंट इज क्लियर? यस यस क्लियर सर, क्लियर। इट इज एज सिंपल एज दैट। व्हाई टू इन्वेस्ट मोर एंड स्टडी लेस? यू इन्वेस्ट लेस एंड स्टडी मोर। ओके यस गुड। यस ओके और कुछ है, और कुछ सवाल है किसी को? थैंक ओके यू। अलाउ टू टॉक हेलो आकाश शर्मा, और कोई है किसी को डाउट है? एक्चुअली हाँ मुझे ये जानना था, एनी स्ट्राइक प्राइस पे क्या मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट के लिए? लिमिट ऑर्डर आपको प्लेस करनी है, नहीं लिमिट ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, आप ब्रेकआउट पुल बैक की वैल्यू डाल सकते हो, पर वो अंडरलिंग में है, वो प्रीमियम में नहीं है, तो अंडरलिंग की अगर आपने प्राइस डाल दी तो तब जब ब्रेक करेगा तो आपकी प्रीमियम में जो होगी वो उसके हिसाब से ट्रेड लेगा, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट पुल बैक है दैट इज ऑल्सो लिमिट ऑर्डर बट इन ओके अंडरलिंग। ओके। हेलो ओके हेलो मैं ओके हाँ मैक यस 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 मैक पे यूज कर सकता हूँ ये सॉफ्टवेयर? किस पे? यस मैक पे हाउ? यस यस यू कैन यूज इट, आप यूज कर सकते हो उसे, उसके अंदर आपको पैरेलल
ये करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज करना पड़ेगा। अच्छा आप gavamentoring@gmail.com पे मेल डाल दीजिए इसके इसके रिलेटेड, ठीक है। सो ओके वी विल रिस्पॉन्ड यू बैक, आपको पूरी ओके प्रोसीजर बता देंगे कैसे करना है क्या करना है, ठीक थैंक यू। है। ओके हाँ किसी को सवाल है? हाँ अभी एक लाइन यूज की थी, इन्वेस्टमेंट लो एंड, मैं उसको समझ नहीं पाया, कैन रिपीट प्लीज। रिस्क परसेंटेज अगर लो किया तो इन्वेस्टमेंट लो होगी। मैंने अभी एक सर ने कोई लाइन यूज की थी, इन्वेस्टमेंट लो एंड लर्न मोर, क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पाया उसको, कैन रिपीट प्लीज। कम पैसा लगाइए ज्यादा सीखिए, ज्यादा पैसा लगाइए कम सीखिए, ऐसे कुछ था मुझे लग रहा हाँ 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 एग्जैक्टली वो करेक्ट एग्जैक्टली, लाइन में भूल गया इसलिए, कैन रिपीट प्लीज। दैट इज द मोटो ऑफ यू नो लिटरली आई एम टेलिंग यू गाबा सर, राइट। यस कम यस पैसा लगा के आप जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, और बाद में फिर ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाओ। यस यस लेकिन करेक्ट सीखने के लिए आप कम से कम पैसे में सीख सकते हो, और मुझे यस लगता है कि इससे चीपर सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा तो भी आज तक अंडरस्टैंडिंग इट्स अ वेरी वैल्यूबल सॉफ्टवेयर पर है। ना 300 रुपीज में 3 मंथ्स, मतलब 100 रुपीज पर मंथ। मंथ। यस मैं यस अगर किसी को चैलेंज के साथ बोलू तो कोई भी इंसान एक बार भी अगर ट्राई करता है तो उसका 100 रुपीज लॉस 100% होता है, ये मेरा ओपन चैलेंज है। जी तो अगर कोई इंसान वही 100 रुपीज में एक महीना भर सीख सकता है तो उसमें गलत क्या है? करेक्ट लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और लोग क्या सोचते हैं कि 300 रुपए 3 महीने के देने हैं, ना बाबा ना। बट दे आर नॉट लुकिंग एट द एफर्ट्स विच द डेवलपर हैज टेकन बिहाइंड डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टडीज, यस यस राइट। सर तो वेरी इट्स एन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज अप टू देम। क्योंकि उनका 100 रुपीज का लॉस हुआ तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ 100 रुपीज का सॉफ्टवेयर लेके वो एक महीना भर नहीं सीखना चाहते। यस करेक्ट सर बिल्कुल सही कहा, ओके राइट। ओके और है किसी को सवाल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, एनीवन? मैम थैंक यू। ओके 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 आई गेस ऑल क्वेश्चंस आर डन। विनोद सौरभ मुन्ना कुमार आपके हैंड रेज है, इज इट वो डन? मैम हम डाउन कर नहीं पा रहे हैं, हमारा डाउट हो ओके गया ओके ओके फाइन 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 ओके चलो देन, थैंक यू वेरी मच। क्लियर। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, gavamentoring@gmail.com इसके ऊपर आप मेल कर सकते हो हमें। जी मैं अच्छा व्हाट आई डू इज मैं चैट में डाल रही हूँ, मेल जो है वो मैं चैट में डाल रही हूँ, ठीक है। हाँ gavamentoring@gmail.com, ठीक है। तो मैंने चैट में डाल दिया है मेल, आपको कोई भी डाउट हो सवाल हो इसके ऊपर आप डाल सकते हो। वी कैन हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं इस मेल के ऊपर से, ठीक है। गूगल चैट है, वहां से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कोई कुछ भी होगा तो आप पिंग कर देना बस उसके ऊपर, ठीक है। और मैम आपको मैम वो आपको रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, आपने कहा था ना रिकॉर्डिंग देंगे, कहाँ पे भेजेंगे हाँ आप वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग गाभा सर देंगे। अच्छा ओके ओके आपको आपको एक हफ्ते मतलब उसको रिकॉर्डिंग को एक दिन तो भी लगेगा आने के लिए, ठीक है। एंड हाँ सब लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है, टेलीग्राम पे नहीं अगर मैं आप नहीं ज्वाइन हूँ हो तो मैडम। टेलीग्राम पे आपको आ जाएगा डायरेक्टली। टेलीग्राम पे नहीं हो तो मेल कर दो, मेल कर दो, मेल ओके कर दो ठीक कि टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दो करके, ठीक है। ठीक हाँ आपको रिस्पॉन्स जो है 24 आवर्स में मिल जाएगा, आप जैसे ही मेल करोगे उसके अंदर 24 आवर्स में मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक। सो लेट अस थैंक क्लोज द सेशन, थैंक यू वेरी मच, यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके हर्षवर्धन, ओके ओके फाइन। ओके